बहुत ही टेस्टी और हेल्दी पोहा नमकीन बनाएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने 2 कटोरी पोहा लिया है, इसको छान लेंगे। देखिए हमने पोहा छान लिया है और थोड़े से नारियल लिया है, मूंगफली 1 कटोरी लिया है, 8 से 10 काजू, थोड़े से बादाम, 2 चम्मच किशमिश और 4 चम्मच ऑयल लिया है। तो कढ़ाई गर्म हो जाएगा, इसमें 1 चम्मच ऑयल डालें, मूंगफली को भून लेंगे। यहाँ पे सेलो फ्राई कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी नमकीन बनता है, आप एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मतलब 2 चम्मच ऑयल से बन जाएगा तो फिर डीप फ्राई क्यों करना। मूंगफली को इस तरह से भून लेंगे, सारे मूंगफली चटक जाए, थोड़ी सी कलर चेंज हो जाए, कच्ची नहीं रहनी चाहिए, क्रंची हो जाए मूंगफली। अब इसको एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरह से। और अब मखाने फ्राई कर लेंगे, मखाने को भी अच्छे से भून लेंगे, इसको मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। तो हाथ से दबा के देख लें क्रंची हुआ कि नहीं। मखाने भून चुका है, अभी यहाँ बादाम और नारियल भून लेंगे। अच्छी तरह भून लें सारे। अब इसमें काजू ऐड करेंगे, काजू जल्दी भून जाता है, इसलिए नारियल भून जाएगा बादाम, तो काजू थोड़ी देर दे के 2-4 बार इसको चला लें, फिर निकाल लेंगे। काजू भी भून गया, अब इसे निकाल लें। ये नमकीन बहुत ही टेस्टी बनता है, बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आए थे, और इतने कम ऑयल में बन जाता है। और 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, अब इसमें थोड़ा सा पोहा डाल देंगे। इसको हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनना है, जले ना। मतलब सारे पोहे खिले खिले हो जाना चाहिए। अब एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, जलना नहीं चाहिए। देखिए इस तरह से, इसी तरह दूसरा बैच का देखिए भून लिया है, एकदम खिले खिले पोहे बने हैं। तो इसको हाई फ्लेम पे ही भूनना है, अगर आप मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे तो ये पोहे जो है ना खिलेंगे नहीं, फूटेंगे नहीं, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब 1 चम्मच फिर से ऑयल डालेंगे और किशमिश को भी भून लेंगे। किशमिश भूनने से ये नमकीन में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। किशमिश भी भून लिया, अब करी पत्ता भी भून लिया है, फिर से 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। यहाँ पे हमने 1 चम्मच सौंफ डाला है और 1 चम्मच धनिया, इसको भी भून लेंगे थोड़ा सा कलर चेंज होने तक, इससे टेस्ट काफ़ी इन्हेंस हो जाता है नमकीन में। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, हींग डाल देंगे और 1 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी भी मैंने बाद में डाली थी, 1/2 चम्मच काली नमक, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आप चाहें तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। जो हमने मूंगफली मखाने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे तो वो मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिला लेंगे कि मसाला कोट हो जाए सारे नमकीन में। और 1 से 1.5 चम्मच पिसी हुई चीनी ऐड कर देंगे, इससे खट्टा मीठा नमकीन बनकर तैयार हो जाएगा। अब एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें हाथों से। अगर हमारी ये रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए तो 4 चम्मच ऑयल से इतना भर के नमकीन बना है और इतना टेस्टी कि आप बनाओगे खाओगे तभी आपको पता चलेगा।
एक बिल्कुल क्रंची, जैसे मैं लाती हूँ ना हल्दीराम का खट्टा मीठा नमकीन, वो मुझे पसंद है उसी तरह का टेस्ट होना। देखिए नमकीन बनकर तैयार है, एकदम पोहे भी खिले खिले बने। बस थोड़े से भूनने का ट्रिक आना चाहिए, हाई फ्लेम पे पोहा को लगातार चलाते हुए भूने, जलना नहीं चाहिए। अभी मानसून जार लाई हूँ डब्बे, इसमें भर लूँगी। ये जार बहुत ही बढ़िया है, मैंने स्मार्ट बाज़ार से ली थी, मैं सोची इसी में भर दूँ, इसको साफ़ कर लेंगे। और इसमें सिलते नहीं है, एयर टाइट डब्बे हैं। ये दो कटोरी पोहे से मतलब एक डब्बा भर के और आधा डब्बा हुआ, तो मैंने थोड़ा थोड़ा दोनों में खाली रखा। नमकीन बन के तैयार है, आप इसे चाय के साथ और ऐसे भी खा सकते हैं, बच्चे बड़े सभी को बहुत ही पसंद आए। आप भी एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। देखिए पास से दिखाती हूँ, मैं खिले खिले बने। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।